दुबई में बसने वाली पाकिस्तानी होनहार तालिब इलम जिन्होंने ज़ेबस यूनिवर्सिटी से इस साल टॉपर रही हैं और गोल्ड मेडल हासिल किया है, इनकी इसी काबिलियत पर हुकूमत दुबई की जानिब से इनको गोल्डन वीजा भी दिया गया है। 4 साल की मेहनत थी और वो बस रिवॉर्ड हो गई, खुशी है बहुत। असरा, कैसा लगा एज ए पाकिस्तानी ज़ेबस यूनिवर्सिटी से टॉप करना, गोल्ड मेडल लेना? आई थिंक मेहनत सब करते हैं, बट अगर वो रिकग्नाइज हो जाए, अप्रिशिएट कर लिया जाए इंसान, तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी होती है, तो बहुत खुश हूँ। गोल्ड मेडल ले लिया, टॉपर भी बन गई, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत थी? आई थिंक 4 साल की मेहनत थी और वो बस रिवॉर्ड हो गई, तो ये है, ये खुशी है बहुत, अल्लाह का बहुत शुक्र है। इस डिजिटल दौर में भी सिर्फ किताबों में ही घुसी रही या कुछ और भी करती थी? मुझे लगता है ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है, ये परसेप्शन बना हुआ है कि अगर हम गोल्ड मेडल ले लिए तो आप बहुत नर्डी होंगे या बुकवॉर्म होंगे, किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं। मैं कभी भी इस तरह की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, ओवरऑल हमेशा कोशिश की है कि पार्टिसिपेट करती रहूँ हर एक्टिविटी में। पाकिस्तान से दूर प्रदेश में रह के तालीम हासिल करना और फिर गोल्ड मेडल लेना, कैसे थे ये आपके 4 साल? आई थिंक ज़ेबस यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत आपको सपोर्ट दी जाती है, द फैकल्टी उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आई थिंक बहुत काइंड है वो और नर्चरिंग एनवायरनमेंट है, जितना आई थिंक जितनी अच्छी तालीम ज़ेबस में है आई डोंट थिंक यूएई की किसी और यूनिवर्सिटी में है। आसरा, बड़ी बहनें भी, उन्होंने भी गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया, तो कैसा लगता है? सिस्टर्स पे भी फ़ख्र होता है, कंपटीशन था कि अब मैंने भी लेना है, वो जहन में था 2017 या बस? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं रहा कि कॉम्पिटिशन, आई थिंक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन आई थिंक हम बहनों में ऐसा है, इवन मेरे ब्रदर के साथ भी ऐसा ही है कि हम चाहते हैं कि एक दूसरे को देखें कि आगे से आगे जाएं। उस वक्त आई थिंक उनके टाइम पे ये स्कीम थी नहीं, आई जस्ट गॉट लकी कि जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो फिर ये गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑफरिंग गोल्डन वीजा। असरा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करना चाहती हैं? बीबीए आपने कर लिया, अब बिजनेस में जाएंगी, जॉब करेंगी, क्या या स्टडी फर्दर करना चाह रही हैं? आई थिंक मैं अपने प्लान्स रिवील करना पसंद नहीं करती, आई थिंक आपको खामोशी में काम करते रहना चाहिए और लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। लेकिन नियर फ्यूचर में मेरा प्लान है आगे इंशाल्लाह फर्दर स्टडीज़ भी परस्यू करूँगी। आई एम स्टिल वर्किंग फॉर अ कंपनी इन दुबई, तो आई वॉन्ट टू और आई लव इट देयर, आई रियली लाइक वर्किंग देयर, सो आई वुड वॉन्ट टू सी वेयर दैट लीड्स। पाकिस्तान में जाने का कोई प्लान नहीं है, वहाँ पर सर्व करने का? ऐसी बात नहीं है कि कोई प्लान नहीं है, द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि आप जितना अपने पे काम कर लो इंडिविजुअल लेवल पे, जितने अच्छे आप, जितना एक्सेल आप इंडिविजुअल लेवल पे कर लो, वो आपकी कम्युनिटी के लिए ओवरऑल आप उसी वही वो भी एक कैपेसिटी हो सकती है जिसमें आप अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो, राइट? सो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ तो इवेंचुअली वो पाकिस्तान के लिए भी इट वुड बी कंट्रीब्यूशन उस तरह से। I won't be a burden on the community, you know. I will be doing good for myself. So उस तरह मुझे लगता है कि फायदा रहेगा। आसरा शाह के वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, इब्राज शाह साहब। सर जी, कैसा लगता है एज ए फादर, कितना फख्र महसूस होता है अपने बच्चों पर? ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, ये इसको बयान करना अल्फाज भी नहीं है, और मैं बड़ी मुश्किल से इस वक्त भी और उस दिन जब ये वहाँ पे हम उस कन्वोकेशन में थे, ये आँखों की नमी को छुपाना बहुत मुश्किल है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस वक्त तक जब बच्चे, अल्लाह बच्चे देता है, फिर इंसान का एक ही मोटो होता है, एक ही गोल होता है कि इनकी बेहतर तालीम और तरबियत हो जाए, तो बहुत फ़ख्र है, खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इनको और भी इसी तरह सारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए, दुआ को हैं। अल्लाह पे आपकी ख़ास रहमत है, 3 माशाल्लाह बेटियाँ हैं और अल्लाह की रहमत है, तीनों ने गोल्ड मेडल लिया और फिर सिल्वर मेडल भी, तो किस तरह देखते हैं बच्चों को और प्रदेश में देश से दूर रह के बच्चों की तरबियत करना? ये मेरे लिए इस तरह ये आसान हो गया कि तालीम की ये जो इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है, ये बहुत पहले इनकी माँ ने रियलाइज़ कर ली थी। मैं यहाँ पे था, ये मेरा ख्याल 2000 की बात है,
वो बच्चों को जब गांव से शहर शिफ्ट किया इसी एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे गांव में उतना वो फैसिलिटीज नहीं थी। बच्चों की एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वहाँ पे ये खबर आए कि इनके बाप की डेड बॉडी आई है, कोई जनाजा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर भी इनका स्कूल नहीं मिस करना। ये एक तरह से ये कन्वे किया कि एजुकेशन कितनी अहम है। फिर वो मरला गुजरा वहाँ से यहाँ आके, बच्चे जब एजुकेशन इनकी सारी इधर ही हुई है, तो फिर ये सहूलत हो गई कि बड़ी बेटी ने जैसा आपको पता चला कि गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल कोई एक रात में या चार साल यूनिवर्सिटी में नहीं होता, उसमें पूरा पीछे एक डिकेड्स की मेहनत होती है। तो स्कूल में और फिर कॉलेज में वो एक घर का एक माहौल ऐसा बन गया कि उसमें मुझे या इनकी मामा को कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। ये सारी जिम्मेदारी जो है, ये नहीं कि वो इनको पढ़ाती थी, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन और गाइडेंस जो बड़ी बेटी ने दी बाकी बहनों को, इनका भाई भी है माशाल्लाह, वो भी इन्हीं के क्या कहना चाहिए नक्शे कदम पे माशाल्लाह ठीक पढ़ रहा है। आंटी, एज ए वालिदा कैसा लगता है जब बेटी ने जो है वो गोल्ड मेडल लिया, टॉपर अनाउंस हुई, और उसके बाद फिर गोल्डन वीज़ा भी मिलना, कितना फ़ख्र महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है, और इसमें स्ट्रगल तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि आज इस मकाम पे हैं मेरे बच्चे। अल्लाह इनको आइंदा ज़िंदगी में भी कामयाब करे, मेरी तो हमेशा से दुआएं, वालदा की दुआएं होती हैं। ये तो चार साल यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही हैं, इनकी मेहनत नज़र आती है, लेकिन आपकी जो पीछे मेहनत है इनके गोल्ड मेडल की, वो कितनी मेहनत थी, इस तरह आपने जो है वो बिल्कुल। लेकिन मैंने सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बड़ी बेटी को क्रेडिट जाता है, मैंने इनको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अभी जैसे स्कूल में एडमिशन होता है तो वो टेस्ट लेते हैं, तो मैंने इनको जो सारे बच्चों को स्कूल से पहले जो मैंने इनकी बुनियाद रखी, इनको अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग वगैरह और उर्दू के जो मैंने इनको सिखाया, उसके बाद मैंने इनको नहीं पढ़ाया। बट ये कि सारे बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया, उसके बाद ना ही इन्होंने कोई ट्यूशन पढ़ी है और ना ही मैंने इनको पढ़ाया, ना पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। गोल्ड मेडल और गोल्डन वीज़े का क्रेडिट पेरेंट्स को देंगी? मुझे लगता है मैं अपने पेरेंट्स को भी दूंगी और मैं अपनी सिबलिंग्स को भी दूंगी, क्योंकि जितना ऑब्वियसली इमोशनली भी सपोर्ट मिलती है सिबलिंग्स से, तो उनको भी मैं इसमें शामिल रखूंगी, बिकॉज ये मैं नहीं कह सकती कि ये सिर्फ मेरी इंडिविजुअल मेहनत है या पेरेंट्स की, आई थिंक मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट रही है। एंड ऑब्वियसली देन देयर इज़ मेरे टीचर्स हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हैं बैक इन द स्कूल, मुझे याद है हर आपकी पर्सनालिटी में ऑब्वियसली हर किसी का थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट रहता है और आप पिक करते हो चीज़ें, तो मुझे लगता है मेरे टीचर्स चाहे वो स्कूल के रहे हों, मेरे फैकल्टी यूनिवर्सिटी से, इवन फ्रेंड्स, उनके साथ जाहिर सी बात है अगर आपका सोशल सर्कल अच्छा है तो यू नो यू डू वेल। तो मुझे लगता है कि सभी की अगर मेरी अचीवमेंट है तो मुझे लगता है कि सभी को अपनी अचीवमेंट लिखनी चाहिए उसमें, कंट्रीब्यूट किया सबने। और असरा, क्या पैगाम देना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो अभी यूनिवर्सिटी में हैं, या यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की जो है वो लगन है उनमें, तो क्या पैगाम देना चाहोगी एज ए मेंटोर उनको? आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, हम मुझे मेंटोर कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तो आप यूनिवर्सिटी अभी चूज़ करें और यू इन द फेज जहाँ पे आपको फील चूज़ करनी है, आई थिंक वो बहुत कंफ्यूजिंग एक स्टेज होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं, बट मुझे लगता है मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकती हूँ कि आप उसी फील्ड में जाएं, वही चीज़ चूज़ करें जो आपको लगता है कि आप बाद में आपका इंटरेस्ट भी है और आप इन्जॉय भी करेंगे, बिकॉज फिर वो और आसानी हो जाती है आपको, उसमें आप जो भी काम डालते हैं, अपनी एफर्ट डालते हैं, वो मेहनत नहीं लगती। तो आई थिंक बस ये कि वो सोच समझ के चूज़ करें जो भी करें, और फिर उसके बाद 100% दें, डोंट लुक बैक आफ्टर इट, 100% दें। बहुत शुक्रिया आसरा आपका और अंकल आपका, बहुत शुक्रिया।
और नाज़रीन आपने बातें सुनी, आसरा ने बिल्कुल पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और हम सबको जो है वो आसरा पे फ़ख्र है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बहुत से मेरे देखने वालों को जो है वो स्पेशली जो नौजवान हैं उनके लिए ये जो है वो बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी और जैसे आसरा की इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी। अगले मेहमान अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।